जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार तेज कर रहे हैं और बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जो बिल्कुल पसीना बहा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस समय एक हुजूम जो नज़र आ रहा है, ये बावल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर एमएल रंगा का है। किस तरीके से लोग उनको सुनने के लिए आए, ये आज बावल विधानसभा क्षेत्र के गाँव जैतड़ावास में पहुँचे थे। एक बार डॉक्टर एमएल रंगा से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से लोग देखे धूप में अपना पसीना बहा रहे हैं। एक बार हम डॉक्टर एमएल रंगा जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कैसा समर्थन मिल रहा है, गांव-गांव जा रहे हैं कैसा। डॉक्टर साहब स्वागत है हमारे चैनल पर आपका सर। ये देखिए किस तरीके से नारेबाजी जो हो रही है, इनके जो वर्कर हैं वो इनके सम्मान में नारेबाजी कर रहे हैं। एक बार डॉक्टर एमएल रंगा से बात करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। मैं आपके चैनल का, आलोक भाई का, आपके मीडिया का आभारी हूँ कि आप वहाँ से चल करके मेरे अपने इस जैतड़ावास गांव में आप आए विचार लेने के लिए। सबकी ओर से आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब पिछले कई दिन से लगातार गांव-गांव जाकर आप जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? देखा जाए तो किस तरीके से लोग धूप में बैठ करके पसीना बहा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मुझे वो समर्थन मिल रहा है जो छोटा भाई बड़े भाई को देता है, जो बाप अपने बेटे को देता है, जो ताऊ अपने भतीजे को देता है, वो मुझे समर्थन मिल रहा है। ये कार्यकर्ता नहीं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये परिवार के लोगों की तरह मुझे समर्थन मिल रहा है, इनका आशीर्वाद मिल रहा है। और आप जिस गांव में जाओगे आपको इसी तरह का आशीर्वाद सब देते मिलेंगे, इसलिए कि मैं हर परिवार को जानता हूँ, हर घर को जानता हूँ, इसलिए एक एक का कहना भी मेरा अपने लिए बहुत मुश्किल है। तो ये सबसे ज़्यादा ये जो मेरे साथी है, जो मेरे साथ जो है, जो फार्म भी भरा था जिन्होंने, और मेरा आज क्या लोग जो समर्थन दे रहे हैं ये आपके सामने देखो, हर गांव में जाकर के मेरे लिए काम कर रहे हैं। नहीं, आज की ऐसे युग में जिसकी टिकट कट जाए और सुबह रातें ही मेरा समर्थन देने लग जाए, ऐसे कितने लोग मिलेंगे। मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ इनका भी। डॉक्टर साहब लोगों में ये भी चर्चा है कि डॉक्टर एमएल रंगा के हाथ में कोई ऐसी जादू की छड़ी है कि सभी उम्मीदवार उनके साथ एक मंच पर खड़े हो गए और उसके साथ लोगों का इतना भयंकर समर्थन, इतना गर्मी के बावजूद वो सब इतना कैसे जुटा लेते हो दिन भर चल करके? आलोक जी, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास इनका प्यार है। और हमारा एक परिवार था 52 कैंडिडेटों का, और हमने एक जगह बैठ करके ये फैसला लिया था, हमारे में से जिस भाई और बहन को किसी को भी टिकट मिलेगी, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं तो हमने संकल्प लिया था कि जिसको टिकट मिलेगी हम निर्दलीय फार्म नहीं भरेंगे और मिल करके आपके साथ काम करेंगे। और यही मेरी प्रार्थना इन्होंने स्वीकार की और आज ये अपने उस वचन पर, उस संकल्प पर डटे हुए हैं। डॉक्टर साहब पूर्व प्रत्याशी आपके साथ खड़े हो गए हैं भरत सिंह जी, और यहाँ से जिनको टिकट मिला उनके समर्थन में राव इंद्रजीत सिंह रैलियों पर रैलियाँ कर रहे हैं, क्या कितनी चुनौती मान रहे हैं वो? खोल में भी अपना कार्यक्रम उन्होंने रखा है, बावल में भी रखा है, आगामी एक दो दिन में होने जा रहा है। देखिए वो बहुत पुराने नेता है, केंद्रीय है, केंद्रीय सरकार में है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो लोग मन बना चुके हैं उसके मन को बदलना, चाहे आप कितने ही भाषण दे लो, कितनी ही रैलियाँ कर लो, यूँ तो रैलियों में लाखों आदमी आते, 10 लाख, 5-5 लाख की रैलियाँ हुई, लेकिन सरकारें बनी नहीं। तो ये तो जो है रैलियाँ करें जो भी करें, लेकिन आज बावड़ की जनता जो मन बना चुकी है, उन्होंने तो उस दिन बना मन बना लिया था जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुई थी, तो अब मन बदलना बहुत मुश्किल है। बाकी उनका प्रजातंत्र है, वो रैलियां करें, सबको जोड़ें, और ये है भाई राजयोग होगा उसको मिलेगा। और भी बहुत से लोग हमारे साथ हैं, एक एक सवाल उनसे भी ले ले। डॉक्टर पवन, आप खुद टिकट की दौड़ में थे, एचपीएससी के मेंबर रहे, लेकिन अब कैसा देख रहे हैं बावल हलके में आप डॉक्टर साहब के साथ घूम रहे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन अपार मिल रहा है और ये जीत हमारी निश्चित है, प्रदेश में बदलाव सुनिश्चित है। और डॉक्टर एमएल रंगा की टिकट हमारी अपनी टिकट है, बड़े भाई हैं और हम जोरदार पूरे तन मन धन से इनके साथ हैं और हम जीत को इनकी झोली में डाल देंगे और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की झोली में डाल देंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, विजय रथ आगे बढ़ चुका है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लवली जी क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये जो लोगों का, जो आपने बताया कि लोग इतना भीड़ आजूम जो आ रखा है, पसीना बहा रहे, ये डॉक्टर एमएल रंगा जी की
विकास का जो एक नाम है डॉक्टर एमएल रंगा जी, जो हमारे इतने पढ़े लिखे नेता हैं, वो भारी आप ये देखेंगे कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जो जीत निश्चित होगी वो डॉक्टर एमएल रंगा कांग्रेस पार्टी की बावल हलके से जीत होगी। दलवीर जी क्या कहेंगे? ये जी आंधी नहीं तूफान चल चुका है जी बावड़ हलके में, ये रुकने वाला नहीं है जी। रमेश जी हमारे साथ हैं, रमेश जी खुद टिकट की दौड़ में थे लेकिन अब आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, बीच में से आवाज आने का भी रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है कि पिछले 2 साल से हम यहाँ बावड़ क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन मैं एक ही बात आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी मैं एंगल एमएल रंगा साहब के साथ खड़ा हुआ था और लोकसभा चुनाव में हम अपने ऑफिस में रंगा साहब भी वहीं बैठे होते और मैं भी वहीं था। मगर ऐसा जो चुनाव होगा उसमें पार्टी अगर टिकट बड़े भाई एमएल रंगा जी को देगी तो मैं आपके साथ रहूँगा, और अगर मेरे को टिकट देगी तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं आपके साथ बरोबर खड़ा रहूँगा। साधु सिंह जी आप क्या कहेंगे? आप भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और ये गांव आपके शायद पैतृक गांव है जी, जी, आपके दादाजी को भी मैं नमन करता हूं जो बहुत बड़े सामाजिक रहे। हम सभी ने, सभी साथियों ने जो आपको बताया ये पहले ही डॉक्टर साहब बता चुके हैं और हमने निश्चित रूप से इस चुनाव के लिए जो पहली कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी उसमें मैंने सभी के सामने ये कहा था कांग्रेस पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व किसी को भी टिकट दे हम सभी तो अब साथ हैं हम कंप्लीट साथ हैं। 51 के 51 साथ हैं जी, क्या कहेंगे छोटे सेंटेंस में बस? देखिए डॉक्टर रंगा साहब की जन्मभूमि और कर्मभूमि बावल विधानसभा से है और डॉक्टर रंगा साहब 25 साल से इस एरिया के अंदर जाने पहचाने उम्मीदवार हैं और हम इलाके के नाते डॉक्टर साहब के साथ हैं और तहदिल साथ है, भारी बहुमत से इनको जिता के विधानसभा भेजेंगे जी। रेखा जी आप भी दौड़ में थे, आप और बताइए जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह आप पीछे महिलाओं की भीड़ देख रहे हो मुझे साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि यहां से सिर्फ रंगा साहब जीतेंगे क्योंकि जहां महिलाओं का समर्थन जिस भी कैंडिडेट को मिलता है जीत उसकी निश्चित होती है। तो यहां बुजुर्ग महिला आई है सभी रंगा साहब को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो लड़के बच्चे हैं वो सभी रंगा साहब को अपना आदर्श मानते हुए और वो सभी तन मन धन से हमारे साथ खड़े हैं, वोट देंगे निश्चित तौर पर ये सीट जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एमएल रंगा और तमाम वो कांग्रेसी नेता जो टिकट की दौड़ में थे, कहीं ना कहीं सब लोग एक मंच पर अब आ चुके हैं, आज जैतड़ावास में पहुंचे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाली सरकार प्रदेश में कांग्रेस की होगी और हम सब एकजुट होकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, लेकिन ये तो आने वाली 8 तारीख ही बताएगी कि डॉक्टर रंगा और उनके तमाम सहयोगियों के दावे में कितना दम है और वो उन्हें चंडीगढ़ पहुँचा पाएंगे या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन रतनलाल के साथ आलोक भंडोरिया, रेवाड़ी।